कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में आज 90 कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आए। कुछ देर पहले 66 कोरोना पॉजिटिव की आपको जानकारी दी। उदयपुर में 25, जयपुर में 16, नागौर में 16, सीकर से 7 कोरोना पॉजिटिव, जोधपुर में 8, अजमेर में 6, चूरू में 4, अलवर में 1, जालौर में 2 कोरोना के पॉजिटिव, करौली में 1, कोटा में भी 1, राजसमंद में 3 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए। राजस्थान में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,418। 90 कोरोना पॉजिटिव 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं। उदयपुर में 25 कोरोना के केसेस, जयपुर में 16, नागौर में 16, सीकर में 7, जोधपुर में 8, अजमेर में 6, चूरू में 4, अलवर में 1 और जालौर में 2 कोरोना के पॉजिटिव, करौली, कोटा, राजसमंद में क्रमशः 1-1 और 3 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। और साथ ही में राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 4,418। राजस्थान में 90 कोरोना पॉजिटिव 2 बजे की ताजा रिपोर्ट। लगातार अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार प्रदेश में दायरा बढ़ता जा रहा है, 2 बजे की ताजा रिपोर्ट, 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज, क्या अपडेट है इसके अलावा? लगातार कोरोना का जो प्रदेश में दायरा बढ़ता जा रहा है। तकनीकी क्लिच के चलते एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी लोकेश ओला से, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 2 बजे की ताजा रिपोर्ट, 90 कोरोना के पॉजिटिव, इसके अलावा क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, 2 बजे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज प्रदेश में 90 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और अब प्रदेश में 4,418 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में आज एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत होने के बाद में अब मौतों का आंकड़ा भी 122 हो चुका है। लगातार प्रदेश में जहाँ कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें उदयपुर में आज 25 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, वहीं नागौर और जयपुर में 16-16 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 1,358 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि जयपुर में जो कोरोना पॉजिटिव थे उनमें से 830 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो चुकी है, वहीं 802 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में जयपुर की बात करें, जयपुर में 466 कोरोना के जो एक्टिव केस है वो सामने आ रहे हैं। वहीं चिंता की बात अब यह है कि जो बाहर से प्लान करने वालों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसी में कोरोना पॉजिटिव अब तक 225 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो बाहर से जो मजदूर जो लोग अन्य राज्यों से राजस्थान में आ रहे हैं उनके पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें बात करें तो सबसे अधिक 38 कोरोना पॉजिटिव जालौर में सामने आए हैं। जो बाहर से आए हैं वो जालौर में 38 कोरोना पॉजिटिव अब तक उनमें से सामने आ चुके हैं। वहीं जालौर में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है उसमें अब 41 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं उदयपुर में जहाँ एक ही बस्ती में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें अब तक 282 कोरोना पॉजिटिव उदयपुर में सामने आ चुके हैं। वहाँ पर भी जो चिंता की बात है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदेश में जहाँ कोरोना पॉजिटिव के 4,418 केस सामने आए हैं उनमें से 2,580 केस की रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो चुकी है, जिनमें से 2,346 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में जो कोरोना का जो दायरा बढ़ता जा रहा है उसमें जो रात भर यही है कि जो नेगेटिव केस होने जा रहे हैं, जो पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी बाहर से आने वाले जो माइग्रेंट्स है या फिर जो लेबर जो और तमाम अन्य राज्यों से जो मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं
हैं उनको क्वारंटाइन की फैसिलिटी है वो बढ़ाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार निर्देश दे रहे हैं और जिला कलेक्टर को निर्देश दे रहे हैं कि वो अपने स्तर पर क्वारंटाइन फैसिलिटी की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करें और जो बाहर से आने वाले हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करें, उनका लगातार मेडिकल जांच करवाएं ताकि कोरोना संक्रमण को प्रदेश में रोका जा सके और जो बाहर से आने वाले जो पॉजिटिव केस हैं उनका उनको चिन्हित कर उनका इलाज किया जा सके। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश। प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 2 बजे की ताजा रिपोर्ट, नब्बे कोरोना के पॉजिटिव मरीज आज भी प्रदेश से सामने आए। राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या है और चुनौती जरूर है कि दिन ब दिन यहाँ पर आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 122 लोगों की मौत प्रदेश भर में अभी तक हो चुकी है, आज भी एक मौत हुई है राजधानी जयपुर में,